गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट किए हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से कुछ टॉपिक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो देखिएगा किन किन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है या माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, या इसी को एसटीपी के नाम से भी हम जानते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए जो शहरों या कस्बों से जो नाले निकलते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। अगर वो ऑर्गेनिक मैटर जो है एज इट इज किसी वाटर बॉडीज में, किसी नदी में, झील में या तालाब में छोड़ दिया जाए तो उस वाटर को ये कंटामिनेट कर देता है। तो इससे पहले ही हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स की मदद से उस सीवेज को हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं या उसकी इम्प्योरिटी को दूर करते हैं या उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, देन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। That is the large amount of the waste is generated every day in the cities and towns. Major components of this waste is human excreta. इसमें सबसे ज्यादा जो है waste में human excreta आता है. This municipal waste is also called the sewage. तो इसी municipal waste को हम sewage कहते हैं. This contains large amount of the organic matter. इस सीवेज में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। एंड माइक्रोब्स मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, तो उसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं और उसमें ज्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिक पाए जाते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ह्यूमंस को डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स को डिजीज कॉज करते हैं। बिफोर डिस्पोजल ऑफ दिस सीवेज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज इट इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस पानी को, इस नाले के पानी को या शहर से निकले हुए वेस्ट को हम क्या करते हैं, किसी भी वाटर बॉडीज में, नदी, झील, तालाब में छोड़ने से पहले इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं एसटीपी के द्वारा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा, टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड, जिससे हम इसके पॉल्यूशन की मात्रा को घटा सकें। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेज, दो स्टेजेज में ये आपका कंप्लीट होता है। पहला है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले एक छोटा सा डायग्राम होगा, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे।
आप लोग डायग्राम बनाते चलेंगे साथ में।
देखिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि आपको लाइन डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। इसमें ध्यान देंगे, जो सीवेज होता है, ये सीवेज आपका सबसे पहले जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है तो सबसे पहले ये भेजा जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। एक टैंक होता है जिसमें लोहे की जाल लगी हुई होती है और इसके थ्रू ये सीवेज गुजारा जाता है। तो इसमें प्रेजेंट जो लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं, जबकि जो वाटर होता है वो इफ्लुएंट होता है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर ये जाता है अगले चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि नीचे की तरफ बैठना। तो यहाँ पर जब वो सीवेज पहुंचता है तो यहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरता है। इसमें जो लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं या हैवी मॉलिकुलर वेट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और यहाँ जो नीचे की तरफ स्लज बैठता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। फिर जो फ्लूड वाला पार्ट होता है वो इफ्लुएंट कहलाएगा, और इफ्लुएंट फिर जाएगा नेक्स्ट चैम्बर में। नेक्स्ट चैम्बर में ये जाता है एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक या इसी को हम ऑक्सीजन टैंक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एयर पंप लगा हुआ होता है जो कंटिन्यूअसली एयर पंप करता रहता है। तो इसमें जो सीवेज पहुंचता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और यहां से फ्लॉक प्रोड्यूस होता है। फ्लॉक झागनुमा स्ट्रक्चर बनता है। फिर इफ्लुएंट जो होता है वो अगले चैम्बर में पास होता है। अगला चैम्बर होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। फिर से यहाँ पे पहुंचने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनका ब्रेक डाउन हुआ है वो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये सेकेंडरी स्लज कहलाता है। ये कहलाएगा सेकेंडरी स्लज। ये सेकेंडरी स्लज जो होता है यहां से एक पाइप या टनल के थ्रू जो है पहुंचता है, और यहां से ये आगे चल करके पहुंचता है प्राइमरी स्लज में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्लज जो है एक साथ पहुंच जाते हैं स्लज डाइजेस्टर में। स्लज डाइजेस्टर में उस स्लज का एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा ब्रेक डाउन होता है और ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जिनका हम डेली यूज में इन बायोगैस को हम यूज कर लेते हैं। इसमें मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अब देखिएगा, जो सेकेंडरी स्लज जाता है, सेकेंडरी स्लज का कुछ अमाउंट जो है फिर से वापस एरेशन टैंक में चला जाता है, जस्ट एज इनाकुलम। जैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या जो है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो इफ्लुएंट आगे जाता है उसको भेज दिया जाता है क्लोरिनेटर में। एक चैम्बर होता है जहां पे वाटर में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी को दूर किया जाता है, और यहां से उस वाटर को वाटर बॉडीज में या वाटर वेज में छोड़ दिया जाता है, नदी झील तालाब या में छोड़ दिया जाता है। अब इस ट्रीटमेंट के बाद जो सीवेज का पानी होता है वो उसमें पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो पहला दो टैंक है आपका उसको, दैट इज स्क्रीन एंड प्राइमरी स्लज जो होता है, ये प्राइमरी से प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी भी माइक्रोब्स का यूज नहीं हुआ है, फिल्ट्रेशन किया गया है, उसको स्क्रीन के थ्रू जो है अलग कर दिया गया है। अगला जो है दो चैम्बर जो है वो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से या एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से और वाटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को दूर किया जाता है, यानी उसका ब्रेकडाउन किया जाता है या उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है। एसटीपी दो प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक है प्राइमरी आर फिजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी आर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो देखेंगे अब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में वही आपका थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज द ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स
फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की मदद से वो उस वाटर में प्रेजेंट लार्ज साइज के पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग एटसेट्रा जो होता है, वाटर बॉटल वगैरह होती हैं, तो वो सीवेज के थ्रू बहकर जाती हैं, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डेबरीज, डेबरीज का मतलब होता है पार्टिकल, इज रिमूव्ड बाई सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन देन द ग्वीर। ग्वीर का मतलब होता है सॉइल और स्मॉल पेबल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ग्वीर का फॉर्मेशन होता है, आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। तो जब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ये सारा मटेरियल आपका पहुंचता है तो वहां पे इसको फिल्टर कर दिया जाता है, और पहले स्क्रीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद इसमें प्रेजेंट जो सॉयल पार्टिकल होता है वो सेडिमेंटेशन टैंक में जाने के बाद नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है। ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट। तो नीचे की तरफ जो बैठ गया वो प्राइमरी स्लज कहलाता है, और जो ऊपर तैरता रहता है वो इफ्लुएंट कहलाता है। सुपरनेटेंट फॉर्म जो होगा तैरता हुआ वो इफ्लुएंट कहलाएगा। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब इफ्लुएंट जो होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से फिर चला जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है एरेशन टैंक में। तो अगला पॉइंट देखेंगे, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द प्राइमरी इफ्लुएंट पासेस इनटू अ लार्ज एरेशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो इफ्लुएंट होता है वो पहुंचता है एरेशन टैंक में, या ऑक्सीजन टैंक बोलते हैं क्योंकि उसमें एक पंप लगा हुआ होता है जो लगातार उसमें एयर को पंप करता रहता है, जो कि ऑक्सीजन जरूरी होता है उस सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए। Which allow the vigorous growth of useful aerobic microbes into phloge. तो देखिएगा जो फ्लोज होता है, फ्लॉक का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, एरोबिक माइक्रोब्स की मदद से। एरोबिक माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लोज जो होता है वो क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है किसके साथ, फंगस के साथ। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। तो ये जितनी ही संख्या में बढ़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को ये लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये उस सीवेज के बीओडी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं ऑफ द इफ्लुएंट। बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। देखिए बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। आप कोई भी सीवेज वाटर ले लीजिए, ठीक है, इस 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा जितना ऑक्सीजन यूज किया जाता है वही उसका बीओडी कहलाता है। लिखा हुआ ना, बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है वही आपका क्या कहलाता है, उस वाटर का बीओडी कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वाटर है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो इसमें ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा। तो यानी कि जिस
सैंपल में बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, यानी बीओडी हाई होगा, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड माना जाता है। तो बीओडी जितना हाई, वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड, बीओडी जितना कम होगा, वाटर उतना ही शुद्ध होगा, प्योर होगा। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड, तो सीवेज का वाटर तब तक जो है ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी घट ना जाए। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। तो बीओडी जिस वाटर सैंपल की बीओडी जितनी ज्यादा होगी तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि इस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही ज्यादा है, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, द ग्रेटर बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, तो जिस भी वेस्ट वाटर में बीओडी जितना ज्यादा होगा वो वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। व्हेन बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट देन इज पास्ड इनटू अ सेटिंग टैंक वेयर द सेडिमेंटेशन अकर एंड दीज सेडिमेंट्स आर कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज। तो अब देखिएगा, इस एरेशन टैंक से अब ये फिर चला जाता है कहां पर, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। तो यहां पे जो फॉर्म होता है वो होता है सेकेंडरी स्लज, और ये सेकेंडरी स्लज ही क्या कहलाता है, एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। इसको एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और वो माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, लगातार ब्रेक डाउन कर रहे हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। देखिए, ये सेकेंडरी स्लज है, ये यहां से जा रहा था, आगे चल करके ये प्राइमरी स्लज से मिल करके स्लज डाइजेस्टर में चला जाता है, लेकिन इस सेकेंडरी स्लज की कुछ मात्रा जो होती है वो फिर से एरेशन टैंक में चला जाता है। एरेशन टैंक में जाएगा जिससे ये एज इनोकुलम काम करता है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो एरेशन टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी ना होने पाए इसके लिए कुछ अमाउंट में फिर से सेकेंडरी स्लज को एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज एंड इफ्लुएंट आर पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक कॉल्ड द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, हियर द एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। तो फिर वहां से जो स्लज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्लज, इसको एक साथ भेज दिया जाता है स्लज डाइजेस्टर में, वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उनका ब्रेकडाउन होता है और बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। These gases forms the biogas. ये gases क्या बनाते हैं, biogas, and can be used as source of energy. तो इसको हम energy के source के तौर पर use कर सकते हैं। Due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than ever before. जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, urbanization बढ़ रहा है, वैसे वैसे sewage production का जो क्वांटिटी है सीवेज प्रोडक्शन की वो बढ़ती जा रही है। हाउएवर द नंबर ऑफ एसटीपी हैज नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट द सच लार्ज क्वांटिटी। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीवेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस क्वांटिटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जा रहे हैं। द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इन टू द रिवर्स लीडिंग टू द एयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीजेज। तो देखिए, बिना ट्रीटमेंट के ही उन सीवेज को वाटर बॉडीज में, नदियों में छोड़ दिया जा रहा है और वाटर बॉर्न डिजीजेज यानी पानी से होने वाले रोगों की संख्या जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है।
द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम पॉल्यूशन। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ये क्या कर रही है, दो इसके द्वारा दो प्लान चलाए गए हैं, गंगा एक्शन प्लान चल रहा है एंड यमुना एक्शन प्लान चल रहा है। तो इसके इन एक्शन प्लान के थ्रू जो है गवर्नमेंट फंडिंग की मदद से नदियों को साफ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका बायोगैस और मार्स गैस, ऐसी को हम बोलते हैं गोबर गैस। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफी छोटा है आपका, जल्दी कवर हो जाएगा। जो भी आपके डाउट रहे हैं आप सेंड कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ओके, थैंक यू ऑल।